आला उधर आया, आसा भी बनाया। स्टाफ के लिए वहां पानी का जो मटका रखा है, उस मटके में से पानी पीने का आपको अधिकार नहीं है। यदि आप इस मटके को छूते हो तो भ्रष्ट हो जाता है और हमें उसे बाहर फेंकना पड़ता है। इसलिए आप मैदान में रखे मटके से पानी पीजिएगा, वो आप जैसे लोगों के लिए ही है। देखिए महाशय, मैं आपकी शिकायत करूंगा। जरूर, खुशी से। देखो अंबेडकर, दो चार किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। यहां हमारे भारत देश में धर्म और परंपरा ही सब कुछ है। धर्मों और शास्त्रों के अनुसार हम सबसे वरिष्ठ है और हमेशा रहेंगे। देखिए अंबेडकर, हमें आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है। हम धर्माचरण करेंगे, धर्म के अनुसार आचरण, तभी हमें मोक्ष मिलेगा, नहीं तो नरक में सड़ेंगे। ये बात मेरे बाबा कहते थे मुझसे, और यही सत्य भी है। दो चार किताबें क्या पढ़ लेते हैं, अपने आप को ब्राह्मण समझने लगते हैं। चार बुक ज्यादा पढ़ने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। क्या घूर रहे हो? सुना है आपका दिमाग बहुत तेज चलता है ना, तो इतनी सी बात धर्माचरण वाली आपकी समझ में नहीं आई? आई, ये बात मेरी अच्छे से समझ में आई और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि मुझे बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है। कौन सा काम, कैसी मेहनत? मुझे मेरे समाज के लोगों तक अच्छी शिक्षा पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें ये पता चले कि उनकी ये दुर्गति कैसे हो रही है। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए मुझे शिक्षा का हथियार अपनाना ही होगा। बात समझ में आई? दिमाग की बत्ती जली? हेलो, चलो। मिस्टर पाठक, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हम आपको जानते हैं मिस्टर अंबेडकर, लेकिन फिलहाल हम थोड़े बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। सुधाकर, क्या मेरे लिए जूस ला सकते हो? अनवर, आज से आपको लाके देगा। क्यों, तुम क्यों नहीं सर्व कर सकते? उसमें और तुम में क्या फर्क है? मैं हिंदू हूं और वो मुसलमान है। तुम्हारा छुआ उसे चलता है, इनको छूत अछूत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। क्या हुआ भाई, कल तक तो तुम मुझसे तमीज से बात कर रहे थे, आज क्या हुआ? अरे बात करो, यही बहुत है। तुम्हारे तो परिचय से भी घिन आती है मुझे, धर्म भ्रष्ट होता है मेरा। अरे कौन सा धर्म, किस पाप की बात कर रहे हो तुम? आवाज नीचे। तुम भूलो मत, तुम एक सिर्फ निचले जात के हो। अरे तुम ऊंची जाति के हो ना, लेकिन तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। इंसान की कदर नहीं कर सकते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मिस्टर अंबेडकर, शांति रखिए। अरे कैसे शांत हो जाऊं, ये आदमी कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? मिस्टर अंबेडकर, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ दिस क्लब। आप बैठ जाइए। नहीं मैं नहीं बैठूंगा। आप क्यों नहीं सर्व करोगे मुझे? सर्व करेगा, इससे मेरी जाति का क्या ताल्लुक है? मिस्टर अंबेडकर, आप प्लीज बैठ जाइए, मैं इसे बात करता हूं। लेकिन क्यों,
क्यों? मिस्टर अंबेडकर, आप प्लीज बैठ जाइए और मेरी एक बात मान लीजिए, आज अनवर आपको सर्व करेगा। अंबेडकर, प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट। सर प्लीज आप पानी लीजिए ना, और कुछ खाने पीने के लिए लाऊं सर आपके लिए? थैंक यू सो मच, कैन यू प्लीज लीव मी अलोन? श्योर सर। काय चाललंय भारतातून? जाती भेद कधी संपणार? भारतातून जोवर जाती भेद संपत नाही तोवर भारत संपूर्णपणे स्वतंत्र झालाय असं म्हणताच येणार नाही। पूर्वीच्या धूर्त आर्य ब्राह्मण ग्रंथकारांनी आपले मतलबी धर्माचे लिगाड शेतकऱ्याच्या मागे इतके सफाईनं लावले आहे का? शेतकरी जन्मास येण्याचे पूर्वीच त्याचे आईस ज्या वेळेस ऋतू प्राप्त होतो तेव्हा तिच्या गर्भाधानादी संस्कारापासून तो हा मरेपर्यंत कित्येक गोष्टींनी लुटला जातो। आता पहिले प्रकारचे अक्षरशून्य शेतकऱ्यास भट ब्राह्मण धर्ममिशाने इतके नाडितात का त्याच विषयी या जगात दुसरा कोठे या मासल्याचा पडोसा सापडणे फार कठीण। आता तुम्ही वाचा पुढचं। आता ग बया, मला नाही जमायचं रमी। जमत नाही? हवा अक्षरवळीक झाली की तुमची? कालच तर शिकवलं न जमाय काय झालंय, हे घ्या। भय ग लक्ष, तुझी मास्तरीन तर लईच घाईची निघाली। असं एका दिवसात समद्याना बुकली हा या वाचाया यायला लागली तर समदेत जण माझ्या भिवावानी साहेब होतील की? आत्या बाई, पहिल्यांदा वाचलं तर पाहिजे, वाचल्या बेगर कसं उमजन वाचाय जमतय का नाही ते? हा ग माझे बाय, तुला लागली आहे बुकांची गोडी, मला नाही बाय काही उमजत त्यातलं। अव मला बी लई कटाळ यायचा, काहीच उमजायचं नाही, मग म्या बिनात सोडून दिलता। पुण्यांदा जवा बुक हातात धरलं का तेव्हा अशी समधी अक्षर माझ्याकडे धावत आली आणि मग त्यांची माझी ओळख झाली। मग म्या काय म्हणलं का, ह्यांनी आपली साथ सोडली नाही मग आपण का म्हणून माग सरायचं? तेव्हापासून त्यांच्यात मन रमलं बघा। हा बराबर आहे, पण काय गरम आहे आता काम धाम बाजूला ठेवून तू नुसतीच बुक वाचत बसणार का ग माझ्या भिवावानी? नाही, बुकांच आणि तुझ चांगलं सुत जमलेलं दिसतय। ठीक आहे बाळा, तू वाच। पहिले प्रकाराचे अक्षरशून्य शेतकऱ्यांपासून भटब्राह्मण धर्ममिशाने इतके निर्तात की त्यांच्याविषयी या जगात दुसरा कोठे या मासलाचा पडोसा सापडणे फार कठीण। ये माझे बाय, रेल्वेचा इंजिन थांबूक तयारच नाही। माझ्या बाबाने शिकवलंय मला। होय तर, आमच्या सुनेक आड्यातच नाही तर पोवऱ्यात खैसून येत लो, अख्ख्या चाळीचा आळस भरलेला, संसाराची पडलेली नाया, पोरा टोरांचा पडलेला नाया, तर बुकांचा विचार खैसून येत लो? हा हा ग भय भय, कुठं कुठं म्हणून पुरं पडाव ग त्या पोरीनं? नाही मला सांग, तिनं घर सांभाळावं का घराच्या बाहेरची काम करावी? आणि मरमर काम करती ते घर संसारासाठीच करती ना। तू कालाय पुळको इलो काय तिचा? तूच राह ना तिच्या वांगडा मग, आणि माझ्यातच खोट काढ तू। हा गो तू वाच ना, तू किती थांबलस? वाच गौराताई, तू वाच। सखू माझ्या वाटणीच बी तूच वाच की? का ग, तू कहिलं काम ठेवलंय वाचायच्या? अग आक्के,
त्या दिवशी मी हिच्या वाटणीच्या भाकऱ्या थापल्या की आता माझ्या वाटणीचं हिने वाचलं तर काय बिघडलं? वय मग आता उद्यापासून तू हिच्या वाटणीच्या भाकऱ्या थापायच्या हा का? गोपोरा आता भूक काय आता हाय दे मी वाचतोय हाय आण आता बघा कसा घडाघडा वाचतय मी असतस की त्या भडाभडा वाचतोय आता ऐका कायता अवताई तुम्ही पुस्तक उलट धरलंय हा ठीका ठीका पुस्तक सरळ धरला काय उलट धरला काय माका वाचता येणार काय गोधर धर धर तूच काय ता वाच हा वाच वाच आणि तुम्ही दोघींनी पण तुमच्या मनात जा काय आता सगळा करूचा हा नाहीतर काय तुमचं आयुष्य माझ्या बुकासारखं उलट होतलो ना वाच वाच गो वाच आता पहिले प्रकारचे अक्षरशून्य शेतकऱ्यांपासून भटब्राह्मण धर्ममिशाने इतके निडतात की पारसी धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इस्लाम अल्लाह की इच्छा है और प्रेषित के दिए हुए आज्ञा के अनुसार इस्लाम चलता है, इसलिए हमें इस्लाम की इज्जत करनी चाहिए। बिना सर पाओ का बात मत करो तुम। हम लोग भी हजारों सालों से पर्शिया की सरहद के पार वाला लोग से ना अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं ताकि दुनिया में हम लोग अल्पसंख्यक ना बन जाए। इस्लाम हर एक को अपना समझता है, इसलिए आज तक विश्व में सबसे ज्यादा आपको उसके अनुयायी दिखते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो समझो, मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि एक्सक्यूज मी क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आप बोलो नहीं भीमराव, एकदम बेझिझक होकर बोलो। यहाँ बड़ौदा में सबको बोलने की पूरी आजादी है। आप अपने धर्म की श्रेष्ठता के बारे में जो बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आप दोनों के धर्म ग्रंथों में काफी सारी समानताएं हैं। देखिए भीमराव, आप अमेरिका से पीएचडी करके आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर टिप्पणी करेंगे। आपने कुरान पढ़ा है? नहीं, मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, मैंने अवेस्ता भी नहीं पढ़ी है। हाँ, मगर एक दिन पढ़ना जरूर चाहूंगा। लेकिन जिन्होंने इसे पढ़ा है उनकी क्या राय है वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। अगर मेरी कुछ गलती हो तो आप मुझे रोक सकते हो। ठीक है। आप दोनों के धर्मों में 5 बार प्रार्थना करने का महत्व बताया है, करेक्ट? हाँ सही है। आर्तविराफ एक बहुत बड़े महान संत थे, अवेस्ता उसे मानती है, तो उनकी आत्मा या रूह, स्पिरिट का भाषांतर मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उन्होंने कई स्वर्गीय स्थलों को पार करके दुनिया के सबसे बड़े भगवान औरंगजेब से मिले। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वे पृथ्वी पर लौटे और उन्होंने अच्छी शिक्षा देने का काम शुरू कर दिया। अरे ये तो हमारे प्रेषक की बात कर रहे हैं, वो 7 जन्नतें पार करके अल्लाह से मिले थे। एग्जैक्टली। इस सफर की कहानी इस्र और मिराज के नाम से कुरान में जानी जाती है और इस कहानी में सफर और आध्यात्मिक सफर दोनों ऐसे खुल के सामने आते हैं। यह तो सही है, लेकिन इनके धर्म में आपको ज्यादा पवित्र मानते हैं और हम इस्लाम के दैनंदिन आचरण में अग्नि का उतना महत्व नहीं है, लेकिन कुरान में 4 प्रकार के अग्नि का उल्लेख है। 1 जिसमें प्रकाश है लेकिन वो जलाता नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता बताता है। अध्याय 27 आयत 8 में लिखा गया है, ब्लेस्ड इज ही हु इज इन सर्च ऑफ फायर। वाह भीमराव, आपने तो बहुत गहरा अध्ययन किया हुआ है। आपके साथ बैठकर चर्चा करने में बड़ा मजा आएगा। हाँ, नहीं तो पूरा दिन हम लोग यहाँ बैठकर सिर्फ कोठी के गॉसिप ही करते रहते।
आंबेडकर तुमच्याबद्दल इथे संस्थानात तक्रारी आहेत. कसल्या तक्रारी? कुठल्या तक्रारी? आंबेडकर आप कामचोर है, आप अपने टेबल पे नहीं रहते, बार बार छुट्टियां लेकर ऑफिस से बाहर रहते हैं, और जब भी ऑफिस में भी होते हैं तो काम के अलावा आप अपनी किताबों में मशगूल रहते हैं. दीवान साहब आप तो ऑफिस में नहीं चले. दीवान जी आधी यांना विचार की मुळात मला फाइल्स देण्यात येतात का? ज्या फाइल्स माझ्या टेबलावर अशा फेकल्या जातात त्यातली सगळी कामं झाली आहेत का नाहीत हे तुम्ही एकदा तपासून बघा. आणि हो, ज्या वेळेला माझ्याकडे काम नसतं त्यावेळेला मी तुम्हाला ग्रंथालयातच दिसेन, कारण ग्रंथालय हे आपल्यासाठीच असतं आणि मी जी पुस्तकं वाचतो त्याच्यावरची धूळही उडालेली नसते. तुम्ही तुमची मर्यादा ओलांडताय आंबेडकर. मी? हो तुम्ही. आणि हे लक्षात ठेवा की तुमची नेमणूक इथे हंगामी म्हणून झालेली आहे. तुम्हाला कायम करायचं की नाही हे फक्त माझ्या हातात आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही तुमचं कर्तव्य पार पाडा. आणि हो, इथे ऑफिस मध्ये हजर राहत जा. माझ्या नोकरीची चिंता आपण करू नये, माझी अपॉइंटमेंट महाराजांनी केलेली आहे. आणि राहता राहिला प्रश्न कर्तव्याचा आणि कामाचा, तर इथे बडोद्याला आल्यानंतर माझ्या राहण्याची खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्याचं काम तुमचं होतं, जे आत्ता काय झालेलं नाहीये. ती आमची जबाबदारी नाही. मग कोणाची आहे? आवाज खाली करून बोलायचं. ती जबाबदारी संस्थांची सुद्धा नाही. आणि तुम्हाला तुमचा निवास भत्ता मिळतो ना? मिळतो की नाही? हो मिळतो. हा मग विषय संपला. तुमची सोय तुम्हीच करायची, ती संस्थांची किंवा माझी जबाबदारी नाही. ठीक आहे, तुम्हाला जर का असं वाटत असेल की तुमच्या असहकार्यामुळे मी इथनं पळून जाईन माघार घेईन, तर तसं नाहीये. मी माझी नोकरी इथे शेवटपर्यंत करणार, मी तसा महाराजांना शब्द दिलाय आणि हा माझा शब्द आहे. आदमी डरता नहीं है, समझ में नहीं आता है इसका क्या करे. हाँ दीवान साहब, मेरा भी सर चकरा गया है, शू करू कहीं खबर नहीं पड़ती. आ मानस एवं कहीं जादू करे छे, एवं मिठू बोले छे के बद्दा लोग इनी आजू बाजू में आवीने जमा थई जाए. मैंने तो सब कुछ करके देखा है लेकिन समझ में नहीं आता ऐसा क्या करे कि ये बड़ौदा छोड़ने पर मजबूर हो जाए. मैं भी यही माथा पच्ची कर रहा हूँ, પણ મારું નામ ભી દવે છે, આનું એક વાર ઠેકાણું ખબર પડી જાય ને તો કઈ થઈ શકે. ઓર મેં ઇસકા ઠેકાના ઢૂંઢ કે રહુંગા. ઢૂંઢો ઇસકા રહેને કા ઠેકાના ઢૂંઢો. એક બાર ઇસકા રહેને કા ઠેકાના સમજ મે આ ગયા તો એસા કાંડ કરેંગે યે બોડદા છોડ કે ભાગ જાય. नमस्कार प्रेक्षको, आजपर्यंत तुम्ही स्टार प्रवाह चॅनलला भरभरून प्रतिसाद दिला, आता तसाच प्रतिसाद स्टार प्रवाहच्या यूट्यूब चॅनलला सुद्धा द्या. त्यासाठी स्टार प्रवाहचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओज बघत राहा.